नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना में आवेदन कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 22 मई 2020 से बीसी सखी योजना संचालित की गई है और बैंकिंग बीसी यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना जो है ग्राम विकास विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग द्वारा आजीविका मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। और योजना के उद्देश्य जो है गांवों में बैंकिंग सुविधा घर बैठे उपलब्ध करवाना है। प्रदेश सरकार द्वारा बीसी सखी योजना की चयन प्रक्रिया के लिए बीसी सखी मोबाइल ऐप जारी की गई है और योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में गांवों में ही, उनके निवास स्थान वाले गांव में ही नियुक्त किया जाएगा। और बीसी सखी योजना में महिलाओं की नियुक्ति के लिए जो है जिस गांव की महिला है उसी गांव के लिए आवेदन कर सकेंगी। और योजना में आवेदन के लिए महिला अभ्यर्थियों को अपने गांव में नौकरी के लिए यही आवेदन मोबाइल ऐप के माध्यम से करना होगा। और इसके लिए जो है मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड स्मार्टफोन में डाउनलोड करना होगा और इसके माध्यम से आवेदन करना होगा। तो इस योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं 58,000 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और बीसी सखी योजना में आवेदन के लिए महिला अभ्यर्थियों का जो है 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है और इसके साथ ही स्मार्टफोन चलाना उनको आना चाहिए, ऑपरेट करना, और पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन को ऑपरेट करने की उनके पास जो है जानकारी होनी चाहिए और बैंकिंग कार्य को सीखने की समझ होनी चाहिए। और योजना में जो चयनित महिलाएं होंगी उन्हें पहले 6 महीने तक राज्य सरकार की तरफ से 4,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा 6 महीने तक। और इसके अतिरिक्त जो है प्रति महिला को 50,000 रुपये पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस खरीदने के लिए प्रदान किया जाएगा। इस पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस के माध्यम से ही बैंकिंग सुविधाएं ग्रामीण वासियों को जो है उपलब्ध करवा सकेंगी सखी बीसी सखी। और पॉइंट ऑफ सेल्स के माध्यम से जो है उनके घर पर ही वो उनका बैंक अकाउंट खोल सकती हैं और बैंक अकाउंट में पैसे जमा करना, बैंक अकाउंट से पैसे निकालना और FD करना, पेंशन के पास जो है स्टेटस देखना, ये सारी जानकारी जो है घर बैठे उपलब्ध करवा सकेंगे दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में बीसी सखी जो है वो उपलब्ध कराएंगी ये सुविधाएं। और बीसी सखियों को जो 6 महीने की अवधि के बाद बैंकिंग कार्य के बदले में जो फिक्स कमीशन होगा बैंक द्वारा दिया जाएगा वही उनकी कमाई होगी और 4,000 जो राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो बंद कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा स्मार्टफोन में और फॉर्म भरने के बाद जो है आवश्यक डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। तो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के रूप में पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड और शैक्षिक योग्यता के लिए ये प्रमाण के रूप में 10वीं कक्षा पास होने का सर्टिफिकेट और उत्तर प्रदेश के निवासी होने का और प्रमाण के रूप में जो निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी, बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने होंगे ऑनलाइन मोबाइल ऐप में जब आवेदन फॉर्म भरेंगे। और इसके लिए जो है पहले आपको अपने स्मार्टफोन में एंड्रॉयड स्मार्टफोन बेस्ड स्मार्टफोन होना चाहिए और उसमें गूगल प्ले स्टोर
पर जाकर उस सर्च बार में आपको UPBC सखी लिख कर सर्च करना होगा सखी ऐप, और UPBC सखी ऐप खुलने के बाद आपको इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और इंस्टॉल पर क्लिक होने के बाद ओपन पर क्लिक करना होगा ओपन विकल्प पर, और ओपन विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी महिला अभ्यर्थी योजना में आवेदन करना चाहती है उसे अपना मोबाइल नंबर लिख करके लॉगिन करना होगा ऐप में, और मोबाइल नंबर लिख कर लॉगिन करने के बाद जो दर्ज किए गए मोबाइल नंबर आपने ऐप में रजिस्टर किया है उस पे आपको 6 अंकों का OTP का मैसेज प्राप्त होगा, और 6 अंकों का और पासवर्ड लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म भरने से संबंधित दिशा निर्देश लिखे होंगे उसको पढ़ लेना होगा अच्छी तरह, और पढ़ने के बाद नेक्स्ट विकल्प पर क्लिक करना होगा, और इसमें जो है मांगी गई सारी सूचनाएं आपको इसमें बहुत सारे विकल्प दिए होंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन भाग 1 भाग 2 ऐसे करके, तो इस सारे विकल्पों पर बारी बारी क्लिक करके मांगी गई सूचनाएं जो है वो भरना होगा, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना होगा, और अंत में फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके जो है मोबाइल उस फॉर्म में ही आवेदन फॉर्म में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे उनको सॉल्व करना होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है अंग्रेजी गणित और हिंदी ग्रामर से संबंधित होंगे, तो उस पे बहुविकल्पीय होंगे उन पर टिक करना होगा सही उत्तर पे, और टिक करने के बाद आपको सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा, और इस सबमिट विकल्प पर क्लिक करने के बाद बीसी सखी योजना में आपका आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आपकी, और इसके बाद जो भी चयनित उम्मीदवार होंगे उन्हें बीसी सखी मोबाइल ऐप के जरिए सूचित किया जाएगा। मोबाइल ऐप में दिए हुए मैसेज वाले आपको बटन पर क्लिक करके आप वहाँ से अपना देख सकेंगे मैसेज प्राप्त मैसेज को, और इस प्रकार से जो है आप बीसी सखी योजना की नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे सीखे.com चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें।